Hello student, today I will discuss on escape jealousy. Escape jealousy. यानी पलायन भी. एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिस्ट वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी इज थ्रोन मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट मे जस्ट एस्केप आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द The escape velocity not only for the earth but from any planet. But the value of the escape velocity is different such that if we say the on the earth escape velocity for the earth atmosphere, similarly the earth escape velocity for the moon atmosphere will be different. So the escape velocity yani kisi bhi object ko utni velocity di jaye when we thrown upward vertically upward it cross the gravitational field of the earth. जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करते हैं तो उसे इतनी वेलोसिटी उसे दे दी जाए कि यह जो है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए तो उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. अगेन वी डिफाइन, लिसन केयरफुली. एस्केप वेलोसिटी इज द लिस्ट वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी must be thrown escape velocity is defined as the least velocity with which a body must be thrown vertically upward so that it may just escape out the gravitational field of the Again, listen. The escape velocity is defined as the least velocity with which a body must be thrown vertically upward, so that it may just escape the gravitational field of the earth. Suppose that. Consider a body of mass m. जैसे मान लीजिए कि consider a body of mass m h lying at distance x from the center of the earth. ठीक है, let m be the mass of earth and r be the radius. ठीक है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर एंड हियर इज द सपोज दैट हियर इज द बॉडी ऑफ मास एम
at point A, the distance of body from this is x. ठीक है, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर यह पॉइंट ए है जहां पर m मास की कोई बॉडी स्थित है. तब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर. यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. Now we move the body through a small distance. यह जो है small distance dx है. Now we move mass m, clear? Through a small distance dx. Up to B. Since we move this body against the gravitational force, so we have to do some work. हमें क्या करना होगा? कुछ work करना होगा. Clear? Let the body is body move from A to B through a distance dx. So then a small work dw to be done. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज वी मूव अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो dw क्या होगा? dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx. क्लियर? तब dw बराबर एफ की वैल्यू क्या है? जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू. Now we want to move the body up to infinity. Now we want to move the body up to infinity. So what total works have done? Would have to done. तो कितना कार्य करना होगा? है ना? Now total work done in arranging the body up to infinity. इन्फिनिटी तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा यह हमें इसको पता करना है. नाउ टोटल वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी अप टू इन्फिनिटी वी कैन फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग the above equation within proper limit. ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं within the proper limit. तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें यहां पर,
ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू डब्ल्यू जीरो इक्वल टू इंटीग्रेटिंग इन्फिनिटिव, अपर लिमिट विल बी इन्फिनिटिव, लोअर लिमिट इज अ दैट इज द फ्रॉम अर्थ सरफेस। कहां से लेते हैं? अर्थ सरफेस से, ठीक है। टोटल वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी अप टू इन्फिनिटी, तो जी यह है हमारा जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इन टू डी एस। जी एम एम इज द कॉन्स्टेंट, सो वी कैन टेक आउट जी एम एम इंटीग्रेशन इन्फिनिटी आर वन बाई एक्स स्क्वायर इन टू डी एस। तो ये हो गया डब्ल्यू इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करें तो जी एम एम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करें तो एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटिव आर। इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम, ठीक है। तो ये हो गया वन माइनस वन बाई एक्स इन्फिनिटिव। वी टेक आउट द माइनस आउटसाइड, माइनस जी एम एम, ठीक है। तो वन बाई एक्स इन्फिनिटिव आर। अब पुट द वैल्यू, सी डब्ल्यू इजकल टू माइनस जी एम एम इजकल टू वन बाई इन्फिनिटिव माइनस वन बाई, वन बाई इन्फिनिटिव इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन बाई आर एंड माइनस जी एम एम बोथ बिकम्स द पॉजिटिव। सो डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम बाई आर। इट क्लियर? This is the work done to raising the body from earth surface to the infinity, है ना? This is the work done to raising the body from अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। नाउ सपोज दैट here what we calculate w is equal to gmm by r. This work is stored in the body in the form of the energy. Clear? If ve is the escape velocity, is the escape velocity, then kinetic energy imparted to the body, clear? जो अभी ई वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है जो इम्पार्ट कर रही है बॉडी को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, वह यही एनर्जी होगी। सो वन अपॉन टू एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू दी
बराबर यहां दे दे 1/2 mv² क्लियर। तो दोनों बराबर होंगे 1/2 gmm/r। स्मॉल m इज कैंसिल फ्रॉम द बोथ साइड, यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/2 v² इज इक्वल टू gm/r और ve² इज इक्वल टू 2gm/r। इसलिए ve इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm/r। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फॉर व्हाट एस्केप वेलोसिटी। वी नो स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r². इसलिए gm इज इक्वल टू स्मॉल gr². नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन देन इट बिकम्स v इज इक्वल टू √gr² / r। क्लियर। वन r इज कैंसिल देन इट बिकम्स ve इज इक्वल टू √2gr इज इक्वल टू √2gr। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। इट क्लियर। नाउ कम ऑन द थर्ड इक्वेशन। नाउ कम ऑन द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब वी कैन सी द थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम हियर ve इज रिटन एज g इंटू 2r ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ देन इट बिकम्स इसलिए ve इज इक्वल टू √gt। नाउ वी कम फ्रॉम दिस इक्वेशन ve इफ रो बी द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। यदि अर्थ की मीन डेंसिटी हो एंड वी एज्यूम अर्थ बी ए परफेक्ट स्फीयर, यदि अर्थ को हम एक परफेक्ट स्फीयर मान लें एंड एज्यूम अर्थ बी ए परफेक्ट स्फीयर देन तब m क्या होगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो ve में बी राइट है √g। वॉल्यूम कितनी हो गई 4/3πr³। ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हो गई आपकी πr³ × √। ठीक है, πr और ये 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, क्लियर, एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा r² तो r² इज टेकन आउटसाइड। ठीक है, और ये क्या बचा 4/8/3 × अब क्या बचा g π ρ है ना, g π
इंटू रो, जी पाई रो, ये आपका जो है दिस इज द थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, जहां रो पृथ्वी की मीन डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, आर इज द रेडियस, क्लियर? सो दिस इज बाई, इफ वी यूज दिस इक्वेशन, बी इज इक्वल टू टू इंटू जी एम बाई आर, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस ऑल दिस इक्वेशन शोज the escape velocity is independent of the mass. जिस बॉडी को escape velocity देना है वह उसकी मास से, वेलोसिटी जो है उसकी मास से मुक्त होती है, इंडिपेंडेंट होता है. दैट मीन्स इट ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सरफेस फ्रॉम विच इट इज थ्रोन आउट वर्टिकली अपवर्ड. दैट मीन्स अर्थ से यदि हम फेंक रहे हैं तो यह अर्थ के मास पर निर्भर करता है, यदि मून से हम फेंक रहे हैं तो मून के मास पर निर्भर करता है, लेकिन उस बॉडी जिसे फेंका जा रहा है थ्रोन अपवर्ड उसके मास पर निर्भर नहीं करता. बाय कैलकुलेशन वी फी कैलकुलेट जी इज इक्वल टू 6. जी की वैल्यू जो है हम पुट कर दें, उसी तरह मास पुट कर दें और रेडियस पुट कर दें, तो वी कैन कैलकुलेट वी ई बाय एक्सपेरिमेंट, है ना, और बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, वैल्यू ऑफ जी एम एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वी इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वह होगा 11.2 किलोमीटर पर. ये जो है अर्थ सरफेस पर, ऑन दी अर्थ सरफेस पर यदि किसी बॉडी को, ठीक है, 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी देकर अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया जाए तो यह जो है एस्केप वेलोसिटी यानी यह अर्थ एटमोस्फेयर को, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है. इट क्लियर? वी हैव डिराइव द फोर इक्वेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एम आर, है ना, देन वी गेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टॉक ऑन द ऑर्बिटिंग वेलोसिटी and some other topics.